नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। किस्सा गोई में आज किस्सा हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। निराला जी अपनी कविता के लिए तो मशहूर हैं ही, अपनी शख्सियत के लिए, अपने तेवरों के लिए, अपनी पकड़ मिजाजी के लिए, अपनी खुददारी के लिए बहुत मशहूर हैं। तो एक बार का वाकया है, लखनऊ के एक मशहूर ताल्लुकेदार ने कुछ बड़े कवियों को आमंत्रण दिया अपनी कोठी पर पधारने का। उनके सम्मान में एक दावत रखी और एक छोटा सा काव्य पाठ भी रखा। तो तमाम बड़े कवियों को निमंत्रण पत्र भेजे गए, बड़े खूबसूरत निमंत्रण पत्र थे, निराला जी के पास भी आया। निराला जी का मिजाज ऐसा नहीं था कि वो किसी के यहाँ जाते इस तरह की दावतों में, तो उन्होंने मना कर दिया। मगर उनके कुछ दोस्तों ने उनसे बड़ी विनती की कि निराला जी आप चलिए, ये ताल्लुकेदार साहब जो हैं ये बड़े साहित्य प्रेमी इंसान हैं। तो निराला जी भी चले गए। अब जब शाम हुई तो ताल्लुकेदार साहब अपनी स्टेट के मैनेजर के साथ आए, तो मैनेजर साहब ने ताल्लुकेदार साहब का परिचय कराना शुरू किया वहाँ मौजूद कवियों से। जिस कवि का परिचय ताल्लुकेदार साहब से कराया जाता वो कवि खड़ा हो जाता, अपने आप को धन्य समझता, बड़ा खुश होता कि उसका परिचय ताल्लुकेदार साहब से करवाया जा रहा है। निराला जी को ये तमाशा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि भाई इन्होंने हमें बुलाया है तो इनके पास तो पहले से ही परिचय होना चाहिए, ये हमें जानते नहीं हैं तो बुलाया क्यों है, और अगर बुलाया भी है, अगर परिचय नहीं भी है तो ये मैनेजर क्यों परिचय करवा रहा है। फिर या तो कवि खुद ही अपना परिचय करवाएं या फिर सीधे काव्य पाठ का आयोजन शुरू हो, कविता से परिचय मिल जाएगा। बहरहाल जब निराला जी की बारी आई तो निराला जी ने मैनेजर को रोक दिया और खुद ही अपना परिचय दिया एक अलग अंदाज में, बिल्कुल निराले अंदाज में। निराला जी ने कहा कि हम वो हैं कि जिनके दादा की पालकी को ताल्लुकेदार साहब के दादा ने अपने कंधे पर उठाया था। निराला जी असल में एक साहित्यिक घटना का जिक्र कर रहे थे, जब महाराज छत्रसाल ने महाकवि भूषण के सम्मान में उनकी पालकी को अपने कंधे पर उठाया था कवि के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए। तो इसी घटना का संदर्भ दे रहे थे निराला जी, और जैसे ही मैनेजर साहब आए निराला जी का परिचय कराने तो वो उठे। उन्होंने कहा मैं वो हूँ कि जिसके दादा की पालकी को ताल्लुकेदार साहब के दादा धोते थे। जब ये सुना तो सब लोग कायल हो गए निराला जी के, कि निराला जी ने अपना अंदाज, अपना रंग ढंग, अपने तेवर नहीं बदले और इसीलिए निराला निराला है। एक दूसरा किस्सा ये है कि इलाहाबाद में एक साहित्यकार थे पंडित ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल। निराला जी से उनकी दोस्ती थी। एक दफा निराला जी ने उनसे मौज लेते हुए कहा कि भाई निर्मल, तुमने अपने नाम के आगे ये निर क्या लगा रखा है, ये निर निर क्या होता है। तो निर्मल जी ने कहा कि भाई निर तो आपके नाम के आगे भी लगा है, आप भी तो निराला हैं। तो निराला जी ने फिर अपनी बात कही कि हाँ मेरे नाम के आगे निर लगा है, लेकिन अगर निर निकाल भी दो तब भी मैं आला ही रहूंगा, और तुम्हारे नाम से अगर निर निकाल दो तो तुम निरे मल बचोगे। एक तीसरा किस्सा है निराला जी का कि जयशंकर प्रसाद और निराला जी बनारस में थे, बनारसी दास चतुर्वेदी भी उनके पास थे, तीनों दोस्त थे, आपस में मौज मस्ती चल रही थी। बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने जयशंकर प्रसाद से कहा कि बनारस का शहर जो है इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ये ख़राब शहर है, पिछड़ा शहर है, यहाँ कुछ नहीं है। तो इससे पहले कि जयशंकर प्रसाद कुछ कह पाते, चूँकि ये सब जो थे ये प्रसाद जी के अतिथि थे, तो उन्होंने तो कुछ जवाब दिया नहीं, लेकिन निराला जी ने कहा कि भाई चतुर्वेदी जी, बनारस कितना भी ख़राब हो लेकिन कुछ वक्त पहले तो लोग अपना नाम ही जो है बनारसी दास रखा करते थे। अब चतुर्वेदी जी ने इस नुक्ते पर तो ख्याल ही नहीं किया था कि उनका अपना नाम बनारसी दास है, बनारस की बुराई वो कर रहे थे। तो ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अपने अलग तेवरों के लिए, अपने विद्रोही तेवरों के लिए और अपनी ख़ास तरह की कविता के लिए मशहूर। शुक्रिया।